ये खंडहर को दिखाइए, अब घुमाइए कैमरा और पूरा खंडहर को दिखाइए। इतना खंडहर वाला चीनी मिल पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। झखर कैल बा न तो पत्रकार महोदय हमरा संगे तू हो गिर जाइब। हम चढ़ने का हिम्मत रखते हैं, आइए आप भी गोड़ हाथ तुरवाने के लिए चढ़िए। अच्छा अब आइए, आराम से आइए, हाथ पकड़ के आइएगा, ठीक है। ये चीज है, और इस चीनी मिल को चालू कराना है। उस समय लालू जी का जंगल राज आया था, 1990 से लेके 2005 के बीच में बिहार का सारा इंडस्ट्री बंद हुआ। लोग भी चुपचाप जो है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, अटल जी के नाम पे वोट दीजिए, लेते रहे, मलाई खाते रहे ये लोग। हम लोग अटल जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट देते रहे। इतने सारे मजदूर लोग खड़े हैं लगातार जो है झांसा दे रहे हैं, जीत रहे। नहीं नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मतलब अपना आवाज खुद से उठाइए। हम उनके बारे में जो है कुछ भी कहेंगे तो लोग कहेगा कि पीछे वार करता है, हम आगे से आगे लड़ने वाले लोग हैं। बंद क्यों हुआ ये मिल? कुछ दलालों ने इस चीनी मिल को घाटे में दिखाया और धीरे 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 जो है लूटते गए, क्योंकि उन दलालों को पता था कि घाटे में दिखाएंगे पर इसको थौसा देंगे, बंद कर देंगे तो एक बार 5 करोड़ रुपया घर में आ जाएगा। तो लालू जी ने अपने ही जाति के लोगों को लेबर बना दिया, मजदूर बना दिया, यहाँ का कंपनी को चौपट करके भाटा बैठा के, और उसके बदले में बाहर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने पैसा दिया, और वो पैसा दिया उसके बाद से वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से निकल के लालू जी का परिवार दिल्ली के सबसे पॉश एरिया फ्रेंड्स कॉलोनी के 450 करोड़ के बंगले में घुस गया और बिहार खंडहर हो गया। ध्यान से देखिए, जय हिंद, ये भी जर्जर हो चुका है। देखिए तो जिस जिला में जय हिंद जर्जर हो जाए उस जिला का विकास कैसे होगा। ये सूर्या चीनी मिल है जो कि 25 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन चुनाव का समय आता है, हर बार ट्रेंड करता है कि ये सुगर मिल जो है वो चालू होगा, लेकिन चालू हो नहीं पाता है। आज जो है आप दिख रहे हैं यहाँ पे, पहले भी आपने आवाज उठाया है, आज भी आप आवाज उठा रहे हैं, क्या लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, चंपारण, चनपटिया और बिहार का विकास का जो सीढ़ी है, सीढ़ी जिससे बिहार का विकास जो है ऊपर जाएगा, वो सीढ़ी जर्जर हो चुका है। बिल्कुल। और जब विकास का सीढ़ी जर्जर हो जाएगा तो कैसे विकास होगा, आप बताइए। आइए ऊपर चढ़ते हैं, कि कब टूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हम चढ़ने का हिम्मत रखते हैं, आइए आप भी गोड़ हाथ तुरवाने के लिए चढ़िए। अच्छा, और ऊपर से दिखाएंगे इस विरासत को जो खंडहर हो चुका है। ध्यान से चढ़िएगा, जैसे हम चढ़ रहे हैं वैसे, बच बचा के ऐसे चढ़िए, ठीक। झखर कैल बा न तो पत्रकार महोदय हमरा संगे तू हो गिर जाइब, आ कैमरा मैन के कहिए नीचे ही रहे के, ठीक बा। आइए हम दिखाते हैं, ये बिहार का विकास जो है जर्जर हो चुका है, ठीक से चढ़िएगा। बिल्कुल, नहीं तो गिरेगा तो गड़बड़ होगा। आइए हम ऊपर से दिखाते हैं पूरा खंडहर हो चुका चीनी मिल, और इतना देखिए हिल रहा है ना, बिल्कुल हिल रहा है। कब टूट जाएगा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, रिस्क अच्छा, हर बार ना अखबार में ये छपता है कि पिछले 25 साल से बंद पड़ा है, चुनाव का जब माहौल आता है तो ये ट्रेंडिंग में आ जाता है कि इस सुगर मिल को चालू करना है लेकिन चालू हो नहीं पाता। हाँ, ध्यान से चढ़ गए। बिल्कुल, अब चढ़ गए, अब शायद से आपके कैमरामैन भी हिम्मत करके चढ़ गए। अरे ठीक है, चलिए अब इधर आइए, अब देखिए ये खंडहर को दिखाइए, अब घुमाइए कैमरा और पूरा खंडहर को दिखाइए। इतना खंडहर वाला चीनी मिल पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। हमारा चेहरा मत दिखाइए लोग, आप लोग सिर्फ खंडहर को दिखाइए लोग। चलिए हम पत्रकार महोदय आपको घुमाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों से मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि देखिए उधर से हमारा भाई बोल रहा है इतना जान जोखिम में डालने के गर्व नहीं। भाई है मेरा भाई, फ्री में दूध को केस में उसका बेचारे का नाम आ गया, फ्री में। वो तो बेचारा मेडिकल का अपना पढ़ाई करता है, फार्मेसी का, फ्री में उसका नाम है। ये देखिए खंडहर, बिल्कुल दिखाइए। ये खंडहर देखने के बाद आंख आपका रोए या ना रोए, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका दिल जरूर रोएगा। बिल्कुल रो ही रहा है देखकर। अब हमको तो नहीं दिख रहा है कि रो रहा है कि नहीं रो रहा है। रो रहा है, देखिए धड़क रहा है तेजी से। अगर चनपटिया के लोगों का, चंपारण के लोगों का, बिहार के लोगों का दिल रोना शुरू कर दे इस विरासत को देख के, तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे तो गिरने का संभावना कम रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हाथ से हाथ जब पकड़ लेते हैं ना तो आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो पकड़े रहिए, क्योंकि कौन सा लकड़ी टूटेगा कोई गारंटी नहीं है, पुराना लकड़ी है ये सब जी। ठीक है, तो ये देखिए खंडहर को, ये देखिए,
ये पूरा खंडहर को, अब बस इसके आगे मत जाइएगा, नहीं तो गिर जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसके आगे मतलब कि पैरों के काफी जर्जर है, पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है जी, तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए सब, अब यहाँ से दिखाइए पूरा चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए, ये पूरा जर्जर हो चुका है। कम से कम आपने 2000 वीडियो बनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बनाया होगा ना जी, बनाया होगा 2000 वीडियो। हाँ 2000 के आसपास बनाया। आपने इतना जर्जर चीनी मिल कहीं देखा है? नहीं देखा है। नहीं ना देखा है। अब सबसे बड़ी बात है कि कमाल का तारीफ करने वाले की तारीफ करना जरूरी है, आपके कैमरामैन का जी, जो इतना स्टेबिलिटी के साथ जो है ऊपर चढ़ गए। हाँ। चलिए अब आइए, आराम से आइए, हाथ पकड़ के आइएगा, ठीक है? ये चीज है। और इस चीनी मिल को चालू कराना है, अगर मेरी बातों को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा देंगे, अगर हाँ मैं जिस इस पे लात रख रहा हूं उस पे मत रखिए, बाद में रखिएगा। अच्छा हाँ, धीरे धीरे हम लोग आ जाएगा, इसको रेलिंग को पकड़े रहिए। ओके हाँ ठीक है जी, अगर वहां तक पहुंचा देंगे तो मोदी है तो मुमकिन है ये चीनी मिल जरूर चालू हो जाएगा। मोदी तक अगर पहुंच जाए इस बात को तो जरूर ये चीज को चालू करवा देंगे एकदम। और 6 तारीख को आ रहे हैं यानी कल, कल आ रहे नरेंद्र मोदी जी एगो चीनी मिल चालू करा दे और दूसरा रक्सौल का एयरपोर्ट चालू करा दे। अच्छा। अगर दो को काम हो गया जी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चंपारण का किस्मत चमक जाएगा। तो अच्छा, चंपारण अच्छा, का किस्मत चमकाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक सवाल है भैया। हाँ, हमारा हाँ, जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि ये जो चीनी मिल है ये पहले की टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीनी मिल है, अगर ये फिर ये गलत बात है। सारा चीनी मिल पुराना ही होता है, सारा चीनी मिल महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश का सारा चीनी मिल लगभग 90% चीनी मिल जो है ना वो 60-70 साल पुराना होता है। ये अच्छा चीज है, तो लोगों के मन में ये सवाल है। हाँ। कि अगर फिर से इसको चालू करेंगे तो अच्छा सुनिए, ज्यादा पैसा लग जाएगा ना कि यहाँ पे तोड़ के फिर से नया बनवा दें। देखिए नया बनवा दीजिए। हाँ। अच्छी बात है। और एक और चीज, मैं बताता हूँ जी, भारत में सबसे ज्यादा पानी बिहार के पास है, बिहार राज्य के पास है जी, और गन्ना की खेती के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र के पास कम पानी है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र में है। बिहार से कम पानी उत्तर प्रदेश के पास है, महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा चीनी मिल उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन कर्नाटका के पास पानी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा चीनी मिल कर्नाटका के पास है। बिहार के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है जर्जर हो चुकी है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाके लेबर मजदूर बने। अगर लेबर मजदूर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपने विरासत को संभालना सीखिए। यहाँ का उपजाऊ खेत जो है ना, गन्ने की खेती के लिए पूरे भारत में सबसे बढ़िया अगर खेत कहीं है, सबसे बढ़िया गन्ने की खेती ही नहीं, दुनिया के किसी भी फसल की खेती के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त मिट्टी समतल धरती पे, पहाड़ी धरती पे नहीं, अब जहां बर्फ गिरता है वो नहीं, समतल धरती पे सबसे बढ़िया नॉर्मल एनवायरनमेंट में जहां गर्मी ठंडा बरसात सब पड़ता हो वो चंपारण की धरती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेज इसीलिए इसी चंपारण की धरती में नील की खेती कराते थे, कहे कि जमीनवा उपजाऊ है। हम डेटा पे बात कर रहे हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं। नील की खेती कहां होती थी? पूरा भारत में नील की खेती कहां होती थी बताइए? चंपारण में। इतिहास उठा के देखिए, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठा देना पड़ता था एक एकड़ में, समझे ना, नील के खेती के लिए। और काहे कराता था सब? काहे कि सबसे उपजाऊ जमीन है। इस जमीन को फाड़ के जब गन्ना के खेती ईमानदारी पूर्वक करेंगे ना, तो यहाँ के हर एक किसान का जो है ना वो जीवन जो है खुशहाल हो जाएगा। तो आइए ना करते हैं प्रयास। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक दो सवाल है आपसे, बहुत सारे लोग तो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि बंद क्यों हुआ, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे, बंद क्यों हुआ ये मिल? कुछ दलालों ने इस चीनी मिल को घाटे में दिखाया और धीरे 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 जो है लूटते गए, क्योंकि उन दलालों को पता था कि घाटे में दिखाएंगे, मान लीजिए चीनी मिल से हम 60,000 रुपया महीना कमाएंगे, 50,000 रुपया महीना, उस समय 50,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 10,000 रुपया महीना बड़े बड़े अधिकारियों का होता होगा, 1990-92 में बंद हुआ है, ठीक है 94 में बंद हुआ है, उस समय अगर 10,000 रुपया महीना कमाएंगे, जीवन भर कमाएंगे तो 2-4-5-10 लाख रुपया कमाएंगे, एक बार इसको थौसा देंगे बंद कर देंगे तो एक बार 5 करोड़ रुपया घर में आ जाएगा। वो कैसे आएगा? अरे बर्बाद हो जाएगा चीनी मिल, इसका लोहा लकड़ बेच देंगे, इसका खाता वही गड़बड़ कर देंगे, बहुत सारी चीजें।
इसका जमीन बेचवा दिया लोग, इसका जमीन बेचा गया है। आप पूछिए यहाँ के लोगों से कि इसका जमीन जो है बेचा गया, सरकारी जमीन कैसे बेच दी? छोटा छोटा किसान का पैसा कहाँ मिला? अभी नहीं मिला पैसा, मिला भी नहीं, नहीं मिला, नहीं मिला, सारी नहीं मिला, समझे ना? तो इसलिए बर्बाद किया गया इसको। अच्छा, और सुनिए, और उसके साथ साथ उस समय लालू जी का जंगल राज आया था, 1990 से लेके 2005 के बीच में बिहार का सारा इंडस्ट्री बंद हुआ। क्यों? क्योंकि 1991 में जब एलपीजी के लिए मीटिंग हुआ था, जब प्रधानमंत्री के साथ, तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर कौन देगा, तो साउथ के राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम देंगे। और जब पूछा गया कि अनस्किल्ड वर्कर मतलब कि मजदूर कौन देगा, तो लालू जी बोले हम देंगे। ये बात है, जाके पता कीजिएगा। पीवी नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे और एलपीजी 1990 में आया था, 1991 की बात है, 94 में ही ठौस गया चीनी मिल, 94 में। हम एकदम डेटा एकदम लाइन वाइज लाइन बता रहे हैं। तो लालू जी से पूछा गया कि आप मजदूर कैसे दीजिएगा, और सब राज तो हाथ खड़ा कर दिया मजदूर नहीं देने के लिए बोला है, तो आप कैसे दीजिएगा? चूंकि उसके पहले राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला चुके थे और 1990 में एलपीजी आ चुका था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनियां आ रही थी, होंडा से लेके सुजुकी से लेके यामाहा से लेके और भी बहुत सारी कंपनियां, कावासाकी और भी बहुत सारी कंपनियां आ रही थी भारत में। तो उस समय लालू जी ने बोला क्या कि सबसे ज्यादा मजदूर कौन देगा, हम देंगे। 1991 की बात है। तो लालू जी से पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूछा कि कैसे दीजिएगा, तो उन्होंने बोला कि आप जानते हैं हम कौन जात से आते हैं? तो बोले कि हाँ याद हो, तो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा बलिष्ठ जात कौन होता है? तो यादव होता है। आज बिहार में पूछिए सबसे देहगर जात, चूंकि दूध दही खाते हैं लोग, मजबूत रहते हैं, तो हम देंगे, और सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है। तो लालू जी ने अपने ही जाति के लोगों को लेबर बना दिया, मजदूर बना दिया, यहाँ का कंपनी को चौपट करके भाटा बैठा के, और उसके बदले में बाहर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने पैसा दिया, और वो पैसा दिया उसके बाद से वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से निकल के लालू जी का परिवार दिल्ली के सबसे पॉश एरिया फ्रेंड्स कॉलोनी के 450 करोड़ के बंगले में घुस गया और बिहार खंडहर हो गया। बिहार खंडहर हो गया, खंडहर हो गया। और जाके पता कीजिए कि बिहार में जितना भी चीनी मिल बंद हुआ है सब लालू जी के रीजन में बंद हुआ है। चलिए 2005 के बाद से वो मुख्यमंत्री नहीं बने, 2005 से 24 नीतीश कुमार जी और भाजपा। तो अब जब ये बंद हो चुका था तो यहाँ के भी नेता के कानों तक बात नहीं पहुंचा, काहे कि हम लोग चिल्लाना ही छोड़ दिए थे, आवाज़ उठाना बंद। आई लोग भी चुपचाप जो है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, अटल जी के नाम पे वोट दीजिए, लेते रहे, मलाई खाते रहे ये लोग। हम लोग अटल जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट देते रहे। अब हमें जरूरी है कि हम अपने महत्व को समझें, हम अपने विरासत को समझें और बचाएं इसे। बिल्कुल। और अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है। बीजेपी की सरकार है और जो है कहीं ना कहीं अभी जो हम जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं तो ये बीजेपी का ही गढ़ है। यहाँ के जो सांसद हैं जायसवाल जी हैं, जो बीजेपी से ही हैं, पिछले जो है 2009, 2014, 2019 में उन्होंने लगातार 3 बार वो जीते हैं यहाँ से। तो एक बार उन्होंने कहा भी था कि चीनी मिल को चालू करेंगे, नहीं तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। उनसे पूछिए, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस पे मत बोलिए, कोई बात नहीं। मेरा जो सवाल है पूरा सुन लीजिए, ठीक है? वो जीते, उन्होंने कहा सारी चीजें ठीक है, वो आदरणीय है, वो यशस्वी है, वो उनके बारे में हम, यहाँ के नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, और आज तो कुछ नहीं बोलेंगे, अब बाहर पूछिएगा बोलेंगे। अगर हम चनपटिया चीनी मिल को राजनीति से जोड़ दिए तो ये फिर नहीं चालू होगा। एक बार तो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी से कहने के लिए, मोदी से अपील करने के लिए, तो हम पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, निगेटिव वे में नहीं कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि चनपटिया चीनी मिल को चालू कराया जाए और रक्सौल का एयरपोर्ट को चालू कराया जाए, काहे कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं और जो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है उसके लिए ये जो है चुटकी का खेल है। बिहार में कहा जाता है ना चुटकी का खेल है, मोदी जी के लिए चुटकी का खेल है। तो जायसवाल जी भी तो चुटकी बजा के हम के बारे में नहीं जानते हैं, वो हनुमान जी दायित्व बनता है कि इतने सारे मजदूर लोग खड़े हैं लगातार जो है झांसा दे रहे हैं, जीत रहे हैं। नहीं नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, मतलब अपना आवाज खुद से उठाइए। हम उनके बारे में जो है कुछ भी कहेंगे तो लोग कहेगा कि पीछे वार करता है, हम आगे से आगे लड़ने वाले लोग हैं, हमें चनपटिया चीनी मिल चाहिए, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। चनपटिया चीनी मिल को मोदी जी चालू करा सकते हैं, हम वहां तक बात पहुंचाएंगे, वहां तक अगर हो सके तो बात पहुंचाइए, और इस वीडियो को आज का आज अपलोड कीजिए। बिल्कुल, आज के आज अभी अपलोड करूंगा। चलिए,
तो चलिए हम एक चीज आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में जी। आज का आज अपलोड कीजिएगा तो हम अपने वीडियो के आखिरी में या शुरू में एक बात बोलते हैं जी, क्योंकि हमें देश से बेहद प्यार है। बिल्कुल ठीक है, खंडहर देखते चलिए। हाँ। पहले खंडहर विरासत देखते चलिए। बिल्कुल ठीक है, देश से बेहद प्यार है, हम लोग राष्ट्र से बेहद प्यार करते हैं। अब चलिए एक चीज दिखा रहा हूं कि ये विरासत जो है वो खंडहर क्यों हो गया। देखिए यहाँ पे गार्ड लोग हैं, उन लोगों का खाना देखिए कैसे बनता होगा। देखिए बर्तन बढ़िया है और एक टूटा हुआ चूल्हा है और ये मिट्टी का चूल्हा है। मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनाते हैं, गैस खरीद के जो है नहीं बनाते, चूंकि सैलरी नहीं मिलता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक खंडहर दिख रहा है। बिल्कुल ये जी, ध्यान से देखिए, देश से प्यार है। बिल्कुल प्यार है, सभी राष्ट्रवादियों को देश से प्यार होता है। बिल्कुल, पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, काम जल्द निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। देश कैसे आगे बढ़ेगा जब चीनी मिल खंडहर हो जाएगा तब। दूसरा देखिए, देश का नारा अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन कैसे होगा जब ये खंडहर हो जाएगा। तो देश का नारा के खिलाफ भी चनपटिया चीनी मिल है और देश को आगे बढ़ाने के खिलाफ भी चनपटिया चीनी मिल है। देश को आगे नहीं बढ़ा रहा ये, नहीं बढ़ा रहा। और चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये खंडहर देखिए जी, देखिए देश का उत्पादन जो है इस प्रकार से हो रहा है और देश को आगे ऐसे ही बढ़ाया जा रहा है जी। अब देश का तो पता नहीं, लेकिन चंपारण की स्थिति ये हो गई है, देश को तो आगे नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे। और ध्यान से देखिए, जय हिंद ये भी जर्जर हो चुका है। देखिए तो जिस जिला में जय हिंद जर्जर हो जाए उस जिला का विकास कैसे होगा। जय हिंद, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अभी हम सूर्या चीनी मिल के पास से आपको दिखा रहे थे। अभी हमारे साथ मनीष कश्यप थे जिन्होंने सारी चीज़ों को वेल डिफाइंड करके बताया कि किस कारण से ये जो है चीनी मिल बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, कब बंद हुआ। आज से 25 साल पहले जो है ये चीनी मिल बंद हो गया। हर बार जो है चुनाव जब भी आता है ये चीनी मिल ट्रेंडिंग में आ जाता है कि चीनी मिल को चालू किया जाए, क्योंकि बेतिया के लोग, आसपास के जितने भी लोग हैं उनको परेशानी है। लेकिन जो है ये चुनाव बीतता है और ये फिर से बंद पड़ जाता है। तो फिलहाल ये वीडियो आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोगों को एक बार जरूर शेयर करना चाहिए। बिहार की विरासत है, इसे चालू जल्द से जल्द जितना हो सके करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।